गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज, अभी हम लोग तनिष्क में है एंड आज मैं आपके साथ तनिष्क के मंगलसूत्र शेयर करने वाली हूँ, जिसमें गोल्ड और डायमंड के दोनों भी मंगलसूत्र शेयर करने वाली हूँ। सो मेरे साथ बने रहना एंड इफ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अगर अब तक नहीं किया है तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव ऑन माई लास्ट वीडियोज़, इस वाले वीडियोज़ भी उतना ही ज़्यादा प्यार दे देना। तो मेरे साथ बने रहना गाइज, चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये जो बॉक्स मेरे सामने, ये 12-13 ग्राम तक आपको आ जाएंगे एंड इस तरह से कुछ है गाइज। तो फॉर एग्जांपल मैं एक दिखा देती हूँ आपको। सो गाइज, इसका जो ग्राम है, जैसे कि आप देख सकते हो, 9.75 मतलब 10 ग्राम तक आपको ऑलमोस्ट आ जाएगा। एंड ये प्योर गोल्ड का है एंड 22 कैरेट का है प्योर। उसके बाद ये भी आ जाएगा, आप देख सकते हो। एंड इसके बाद ये भी है, तो मैं थोड़ा दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हमारे पहले ये तीन मंगलसूत्र है गाइज, जो कि 12-13 ग्राम के आसपास आपको आ जाएंगे। स्टार्टिंग हो रही है कुछ 9 ग्राम से। अभी गाइज मेरे सामने एक मंगलसूत्र है जिसका आप पेंडेंट देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये पूरा का पूरा 22 कैरेट का है एंड इसका जो ग्राम है गाइज, ये कुछ 14 ग्राम के आसपास आपको आ जाएगा, लेकिन इसकी डिज़ाइन थोड़ी डिफरेंट है। उसके बाद एक और मंगलसूत्र है, तो ये डेली वेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब रफ एंड टफ है एंड इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है। अगर आप डेली भी पहनोगे तो कुछ भी नहीं होगा, इतने ब्यूटीफुल है, डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छे है। जैसे कि आप ये वाला देख सकते हो, थोड़ा क्लोजअप मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से कुछ हमारा ये थर्ड मंगलसूत्र आएगा एंड इसका जो पेंडेंट है, ये इस तरह से कुछ आ जाएगा। सो ये हो गए हमारे तीन मंगलसूत्र। एंड गाइज, ये स्टार्ट हो रहे हैं कुछ 14-16 ऐसे ग्राम में है ये, तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो गाइज, अगर आप शादी के लिए मंगलसूत्र देख रहे हो तो इस तरह से हमारा ये आ जाएगा ब्राइड के लिए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये प्योर गोल्ड का है एंड इसमें गाइज हमारा ये जो ग्राम है, आप देख सकते हो, कुछ 10 ग्राम के आसपास हमको ये मंगलसूत्र आ जाएगा, जो कि ब्राइडल के लिए है। उसके बाद आप देख सकते हो जो नेक्स्ट मंगलसूत्र है, ये वो इस तरह से कुछ आ जाएगा। एंड ये जो थर्ड मंगलसूत्र है, इसमें कुछ दो साइड से आ जाएंगे। एंड जो इसमें पेंडेंट है, ये थोड़ा मीनाकारी का है, तो इसका मैं आपको थोड़ा ग्राम दिखा देती हूँ गाइस। तो इसका जो हमारा ग्राम है, ये 11.53 मतलब 12 ग्राम के आसपास आ जाएगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे है, तो आप देख सकते हो। तो ब्राइडल के लिए भी आप तनिष्क से ये वाले मंगलसूत्र ले सकते हो। उसके बाद गाइस, जो मंगलसूत्र है, इसमें थोड़ा मीनाकारी वर्क ज़्यादा, मतलब थोड़ा नेकलेस पैटर्न, एक क्यूट सा नेकलेस पैटर्न आपको दे देगा। सो आप इसको कुर्ती के ऊपर पहनोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो इसका मैं आपको ग्राम बताती हूँ एंड ये सारे के सारे गाइस 22 कैरेट के है। इसका ग्राम 15 ग्राम का है, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा गोल्ड ज़्यादा है। उसके बाद जो नेक्स्ट मंगलसूत्र है, वो इस तरह से कुछ आ जाएगा, जैसे यहाँ पर ये पूरा ब्लैक स्टोन है एंड नीचे पूरा का पूरा गोल्ड का आ जाएगा आपको। एंड इसका डिज़ाइन वगैरह काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड द थर्ड नेकलेस इन दिस बॉक्स, इट्स लाइक इसमें ज़्यादा गोल्ड है, आप देख सकते हो। तो अगर आपको गोल्ड ज़्यादा पसंद है, ब्लैक वाले क्रिस्टल्स थोड़े कम पसंद है, तो आप ये भी बाय कर सकते हो। एंड ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, शायद ये अटका हुआ था। सो इस तरह से कुछ हमको ये आ जाएगा एंड इसका ग्राम ऑलमोस्ट 20 के आसपास तो आराम से होगा। यस गाइज, ये 18 ग्राम का है। सो इस तरह से कुछ हमारा ये रहेगा। अभी नेक्स्ट गाइज हमारे पास जो है, वो इस तरह से है। तो अगर आपको मंगलसूत्र भी चाहिए और थोड़ा हेवी भी चाहिए, तो इस तरह से हमारे पास ये वाला मंगलसूत्र है, जो कि 40 ग्राम के आसपास आपको आ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है दिखने में, तो इस तरह से आपको आ जाएगा। इसका पेंडेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिसमें थोड़ा थोड़ा मीनाकारी वर्क भी है। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एंड उसके बाद एक और है हमारे पास, ये भी 30-40 ग्राम के आसपास होगा, इसमें भी थोड़ा मीनाकारी वर्क है इसके पेंडेंट में। हाँ, सो गाइज, ये 30 ग्राम का है एंड इस तरह से कुछ आ जाएगा अगर आपको हेवी में लेना है तो। और उससे भी ज़्यादा गाइज, अगर आपको मोस्टली गोल्ड में चाहिए, तो इस तरह से हमारा ये जो नेक्स्ट वाला मंगलसूत्र है, इस तरह से कुछ आ जाएगा। महाराष्ट्र में एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। सो इसमें जो पेंडेंट है, ये प्योर गोल्ड का है, मतलब इसमें स्टोन वगैरह भी कुछ भी नहीं है।
सो गाइस हम लोगों ने गोल्ड के मंगलसूत्र देख लिए हैं, इट डिपेंड्स ऑन ग्राम, बट अभी हम लोग देखने वाले हैं डायमंड के मंगलसूत्र, जिनकी प्राइस मोस्टली डायमंड पे ही रहती है, तो मेरे साथ बने रहना, अभी हम लोग डायमंड के मंगलसूत्र देखने वाले हैं। सो गाइस अभी पहला मंगलसूत्र मेरे सामने है, आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटिफुल ऐसे फ्लोरल है, तो आप देख सकते हो ये 6.8 ग्राम में ही आ जाएगा, लेकिन इसकी जो टोटल प्राइस, इट डिपेंड्स ऑन दिस डायमंड्स। तो इस तरह से हमारा पहला आ जाएगा। दूसरा मंगलसूत्र डायमंड में हमारा ये रहेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल, ऐसे दो आ जाएंगे इसमें, एंड आप देख सकते हो गाइज। उसके बाद जो तीसरा मंगलसूत्र, इसका जो पेंडेंट है, ये इस तरह से आ जाएगा। डायमंड मंगलसूत्र में एक बात तो सेम है, मतलब ये ऊपर का पार्ट आपको सेम ही रहेगा, सिर्फ नीचे में जो पेंडेंट है वो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकते हैं, डिज़ाइन सबका अलग अलग हो सकता है। एंड अभी हमारे जो पास बॉक्स आया है, वो उसमें कुछ इस तरह से है डायमंड मंगलसूत्र, एंड ये आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसकी मैं प्राइस एक बार चेक करती हूँ। सो गाइज ये आपको 1.5 लाख के आसपास जाएगा। सो इसमें मोस्टली डायमंड की प्राइस ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऐसा है। तो इस तरह से गाइज हमें डायमंड के जो मंगलसूत्र है उनका डिज़ाइन आएगा, अलग अलग है सबका डिज़ाइन। उसके बाद गाइज डायमंड का नेक्स्ट मंगलसूत्र कुछ इस तरह से है, एंड स्टार्टिंग ही 50,000 है, तो इसका काफ़ी ऊपर जाएगा। एंड आप देख सकते हो नेक्स्ट वाला कुछ इस तरह से है गाइस। जैसे कि ये डायमंड वाले हैं, तो इनका कैरेट 18 का रहेगा। इस तरह से हमारे पास है एक बॉक्स, तो इसमें से अगर आपको कोई पसंद है तो आप तनिष्क में ये बॉक्स भी दिखा सकते हो, इनको समझ में आ ही जाएगा। सो डिज़ाइन वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे, तो सब गाइस 50,000 के ऊपर ही है, तो कोई भी डिज़ाइन आप चूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बॉक्स है, तो इस तरह से कुछ आ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है इसके डिज़ाइंस, एंड प्राइस डिपेंड्स ऑन डायमंड। सो गाइज मैंने ट्राई किया कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मंगलसूत्र आपको दिखा दूँ, तो मैंने यहाँ पे गोल्ड एंड डायमंड के मंगलसूत्र आपके साथ शेयर किए हैं। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। ये वाले तनिष्क में आप बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पे कलेक्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट ब्यूटीफुल ब्लॉग। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।